सर शो शुरू होने से पहले ही द कलर रैबिट को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वरना प्रभा बुरा मान जाएगी सर, प्लीज सर। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। किधर सो जाता रे? हाँ किधर सो जाता? अरे गुलगुले भाऊ, कल वो मिश्रा बाजू वाला बस्ती वाला डेढ़ पसली, हाँ सो मजबूत धोया रे मेरा लड़का लोग कल। क्यों गुलगुले भाऊ क्यों धोए? कल साला वो भैया राव के वड़ा पाव के टपरी के बाजू में मोद के चला गया, ये ढो कुटला। अरे तो भाऊ वो टपरी खुली थी या बंद थी? इससे क्या फर्क पड़ता है रे शेरिया? अगर तुम तुम्हारे घर पे ताला मार के जाओ तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आके मुतूंगा क्या रे? अरे रिलैक्स गुलगुले भाऊ रिलैक्स। तू बोल ना रे बिंदु, मैं मुतेगा क्या रे? नहीं नहीं भाऊ। तो समझा ना शेरिया, किसी के घर में आके ऐसे मुतते नहीं है। हाँ भाऊ समझ गया। वैसे गुलगुले भाऊ बाल मस्त दिख रहा है तुम्हारा, नया हेयर स्टाइल बनाया क्या? बाल किधर दिख रहे थे तेरे को मेलिया? हाँ बाल गिर के अभी 14 बरस हो गए, बात करते हैं। ऐसा खुल्ला लेके घूम रहा मैं मगज, और तेरे को हेयर स्टाइल दिखाई दे रहा है? हाँ पार्टी कशी होती रही तुझी रात्री? पार्टी? हाँ कल आई थी ना तेरी वो? वो तो बिंदु की कजन है भाऊ। रेशमा ना, वो तो मेरी कजन है भाऊ। साला जब तुम लोग इधर नया नया आया था और वो लड़की आती थी इधर तुम लोग के घर, तो 50 बार 50 बार आके बोलता था ये शेरू कि मेरी कजन मेरी कजन, और अब ये तेरी कजन हो गई बिंदु। तब बात कुछ और थी गुलगुले भाऊ। चुप बे चुतिया साला। रेशमा घोड़ पड़े मराठी मुलगी? हाँ भाऊ वही मराठी है। देव तिचा भला करू दे। और वो और एक लड़की है ना रे, जो वर्मा के गाड़ी के पीछे अपनी स्कूटर पार्क करती है, पॉली। अरे वो हमारी भाई जैसी है भाव। किधर से आए रे तुम लोग? गर्लफ्रेंड को कजन बोलता है, फ्रेंड को भाई बोलता है, कैसा येड़ी चाली करते रे तुम लोग। कोई गाता मैं सो जाता, कोई अब निकलना चाहिए, गुलगुले भाव का टाइम वेस्ट हो रहा होगा। इधर बसा बसा, कामाला जायचंय का? कामाला जायला तिकीट 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 तिकीट, उशीर झायला तिकीट 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 तिकीट, कामाला जायला उशीर होईला, वाट बघते रिक्षावाला अग बाई वाट बघते रिक्षावाला, टिंकटकर 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 गबरे। शेरिया पिछले एक हफ्ते से मैं इसको फोन कर रहा है, और ये मेरे को फोन उठा के बोलता है सेक्रेटरी मेरी सब मीटिंग कैंसिल कर दो। असा कसा? ये पूरे बिल्डिंग का सेक्रेटरी है रे मैं, और तू मेरे को ऑर्डर कैसे देता रे कि मीटिंग कैंसिल कर मीटिंग कैंसिल कर? कशाला करू मीटिंग कैंसिल? समोसा वड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक घेऊन बसतात, और तुम बोलते हो कि मीटिंग कैंसिल कर मीटिंग कैंसिल कर? पैसे काय झाड़ावर उगतात काय रे? हैं मीटिंग में कितना बड़ा बड़ा बात होते मालूम? पार्किंग की झोल हो रहा है वो बैचलर लोगों की वजह से। पर हम लोग पास तो गाड़ी ही नहीं है भाऊ। पर लाउड स्पीकर तो है ना तुम्हारे पास, जिससे लाउड लाउड म्यूजिक आता है, उससे कितना प्रॉब्लम होता है बाजू वाली शिंदे आंटी को पता है तुमको? पर गुलगुले भाऊ शिंदे आंटी तो हमारे यहाँ डेली आती है नाचने के लिए, और कभी कभी तो वो ओल्ड मंक भी मांग के ले जाती है।
सोसायटी में नया रूल आया है क्या कि बैचलर्स को लात मारून हकलून दे, मतलब लात मार के हकलने पड़ल, पर क्यों? अरे साल्यानो, एक तो तुम लोग यहाँ पे दतिंग करते हो, लोकांला त्रास देता आणि वॉचमॅनला ग्रास देता है दतिंग? अरे हम लोग तो आपकी इज्जत करते हैं गुलगुले भाऊ, मस्का नहीं लगाने का इधर ज्यादा, समझा क्या चूतिया लोग? मैं कब से तुम लोग को फोन कर रही हूँ, फोन नहीं दिखता है क्या? क्या गुलगुले अंकल, क्या बोलते हैं? अंकल क्या हुआ बे? गुलगुले अंकल तुम लोग को डोज दे रहे हैं क्या? पॉली तू नीचे चल, हम लोग आते हैं। क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम विब्लम क्या, सोसाइटी ने अभी डिसाइड किया है सब बैचलर्स को आउट करने का। पर क्यों? क्योंकि बैचलर लोगों की वजह से बहुत गंदगी फैल रही है सोसाइटी में, इसलिए कर लगा। गंदगी? कभी सीढ़ी से ऊपर आए हो आप? 50-50 लीटर तो थूकते वहाँ पर गुटखा खा के लोग, वो कौन करता है? बैचलर्स करते हैं? नहीं, बैचलर्स नहीं करते हैं, 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग करते हैं। पर और लिफ्ट तो यूज की होगी तुमने, दुनिया भर के रैप के लिरिक्स लिखे होते बैचलर्स ने, लिखे होते वो? नहीं, तुम्हारे बिल्डिंग के छोटे छोटे बच्चों ने लिखे होते। पर मेंटेनेंस के नाम पे इतना पैसा लेते हो तुम लोग, पर फ्लैट के बाहर से कोई कचरा उठाता है और फिर उसी कचरे को बिल्डिंग पूरा फैला देती है। अब इसकी जिम्मेदारी भी क्या बैचलर्स पे है? बिल्डिंग का वॉचमैन पूरा टाइम बाहर सामने टपरी वाले क्या टीवी देख रहा होता है, उसे तो काम से नहीं निकाला, बैचलर्स को निकालेंगे। पर बैचलर्स को देख के बिल्डिंग के बच्चे बिगड़ रहे हैं, कर लगा को तू लताई। ए गुलगुले, तेरे बच्चे ना तुम लोगों को देख के बिगड़ रहे हैं, बैचलर्स को देख के नहीं। कोई लड़की आती है बाहर से, वैसे ही तुम सब उसको ऊपर से लेके नीचे तक ताड़ते हो और फिर एक दूसरे को बताते हो, देखो क्या पहना है इसने, बेशर्म साली। बैठे बैठे रूम में क्या हुआ होगा वो सारी चीजें विजुलाइज कर लेते हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इसी सोच और नजर की वजह से बिगड़ रहे, बैचलर्स की वजह से नहीं। और गुलगुले, तुम तो हर साल इन दोनों के रेंट रिन्यूअल के टाइम पे इनसे ब्रोकरेज लेते हो ना, बोलो लेते हो ना? वो तो चुपचाप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो और खिड़की बंद रखा करो घर की। अब दोबारा बैचलर लोगों से कोई प्रॉब्लम हुई ना तुम्हें, तो बिल्डिंग के सारे बैचलर्स को लेके तुम्हारे घर में घुस जाऊंगी, समझे? खबीस के बच्चों, चलो अब यहाँ से। भेटो भाव, निरंतर मिलते हो। पांडुरंगा, आज अगर तू नहीं आई होती ना तो उस गुलगुले की चमड़ी उधेड़ लेता मैं। चुप कर यार, पता ना तुझे। अरे उसका छोड़, मैं बोल रहा हूँ ना, आज शपथ सिर्फ तेरी वजह से रुक गया मैं, वरना उसका खून कर देता आज। मेरे को ना मेरा काम करने दो, तुम लोग अपनी ड्रिंक्स बनाओ ना, म्यूजिक चलाओ। ड्रिंक्स? दारू तो हमारे पास है ही नहीं। मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। सुन, वापसी में शिंदे आंटी को भी लेते आना, बेचारी अकेले लेफ्ट आउट फील कर रही होगी। ठीक।